बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में आने से पहले मॉडलिंग करती थी, कई बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों में नजर आ चुकी थी और फिर साल 2007 में उन्होंने बॉलीवुड में ओम शांति ओम से डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने मस्तानी तक का सफर तय किया। दीपिका करोड़ों दिलों के दिल की धड़कन बन गई और बॉलीवुड की फेवरेट अभिनेत्री। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था, लेकिन जब वो एक साल से कम की थी तो उनका परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया था। इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका पादुकोण अपने पिता की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी। इस बात का खुलासा वो टीवी चैनल इंटरव्यू में कर चुके हैं। दीपिका पादुकोण 2006 में किंगफिशर कैलेंडर का हिस्सा बनी। इस कैलेंडर के लिए फोटोग्राफर अतुल कस्पेकर ने उनका फोटोशूट किया था। आपको बता दें कि बॉलीवुड में आने से पहले दीपिका ने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या में काम किया था। इस फिल्म को कन्नड़ दर्शकों ने काफी पसंद किया था। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका ने साल 2007 में शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम से बॉलीवुड से करियर की शुरुआत की थी। उन्हें इस फिल्म में अपने किरदार के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड दिया गया था।